उपाध्याय जी, बताइए आपके द्वारा जब से देश में कोरोना वायरस के दृष्टिगत लॉकडाउन शुरू हुआ है, जो असहाय भूखे निर्धन व्यक्ति हैं उनको खाद्य पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये कब से सिलसिला शुरू हुआ है और कहाँ तक पहुँचा है ये बताइए। हमने मथुरा, पूरे संपूर्ण मथुरा जनपद में 22 मार्च से ये शुरुआत की थी और हम लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो लोग जिनके घर में खाद्य सामग्री का अभाव है, जिनके काम छूट गए, जिनमें ठेला मजदूर, खेतिहर मजदूर, दहाड़ी मजदूर, ये सारे लोग सम्मिलित हैं। इस तरह के लोगों को हमने पूरे मथुरा जनपद में 29,000 परिवारों को अब तक हम ये सामग्री दे चुके हैं। इस सामग्री में एक पैकेट में 5 किलो आटा, 3 किलो चावल, 2 किलो आलू, मनीष भाई 1 किलो चावल, सॉरी 5 किलो आटा, 3 किलो चावल, 2 किलो आलू, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल व आधी लीटर सरसों के तेल की सीसी है, जो कि एक परिवार के 6 से 7 दिन के राशन के उपयोग में आती है। 6 से 7 दिन का 5 व्यक्ति उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 29,000 व्यक्तियों के 29,000 परिवारों को ये सामग्री अभी तक हम वितरित कर चुके हैं। अभी हमारी प्रक्रिया सतत चालू है। ये बालाजी आश्रम संस्था की ओर से है, ये उसी संस्था की, इस संस्था की ओर से ही ये सारा ये वितरण हो रहा है। आगे भी ये जारी रहेगा, जो भी निराश्रित हैं जिनको सहयोग चाहिए उनको आप सहयोग पहुंचाते रहेंगे। अभी जारी रहेगा। अभी हम इस समय भविष्य में इस राशन के साथ में जो पैदल मजदूर चल रहे हैं उन लोगों को लगभग चना, भुने हुए चना 700 ग्राम चना और 200 से 250 ग्राम गुड़, मीठा गुड़, ये लोगों को वितरित कर रहे हैं, जिससे वो रास्ते में पैदल चलते हुए व्यक्ति जहाँ भूख लगे, जहाँ उनको लगे तो एक मुट्ठी चना, थोड़ा सा गुड़ खा लें, पानी पी लें, जिससे इनको दर्द पूर्ति प्राप्त हो जाए, तो वो हमें चना वितरित करने में लगे हुए हैं। वो भी हमारी प्रक्रिया इसके साथ भी हमारी चल रही है।